तो नाम में क्या रखा है, बात करते हैं काम की। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ट्विटर पे किसी को डायरेक्ट मैसेज या फिर पर्सनल मैसेज कैसे करें, क्योंकि दोस्तों जो ट्वीट होता है वो तो सभी को दिखाई देता है, जो डायरेक्ट मैसेज होता है वो किसी को नहीं दिखाई देगा, वो उसी को दिखाई देगा जिसको आप सेंड करोगे। तो सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैं ओपन कर लेता हूँ ट्विटर अकाउंट। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो ट्विटर अकाउंट है मेरा वो ओपन हो चुका है। ट्विटर को मैंने फॉलो कर रखा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसकी प्रोफाइल पे चला जाऊँगा। देखिए कहीं जहाँ कहीं भी मैसेज का कोई भी आइकन नहीं बना हुआ है, इसको मैसेज सेंड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि इसने अमित बडाना ने प्राइवेसी लगा रखी है, ठीक है ना। इसको मैसेज वही व्यक्ति कर सकता है जिसको अमित बडाना ने फॉलो कर रखा है, और उस व्यक्ति ने भी अमित बडाना को फॉलो कर रखा है। अब मैंने तो अमित बडाना को फॉलो कर दिया है, अमित बडाना ने मुझे फॉलो नहीं किया, तो इसलिए मैं अमित बडाना को मैसेज नहीं कर सकता, ठीक है। जिन लोगों ने प्राइवेसी लगा रखी है उनको सभी लोग मैसेज नहीं कर सकते। जिन लोगों को मैसेज कर सकते हैं उनको कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए क्या करना है, मैं पीछे चला जाता हूँ। पीछे जाने के बाद जहाँ नीचे देखिए डायरेक्ट मैसेज का आइकन बना हुआ है नीचे राइट साइड, नीचे जहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जहाँ राइट ए मैसेज, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद जहाँ आपने उस पर्सन का नाम टाइप करना है जिसको आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं, यहाँ मैं नाम टाइप कर देता हूँ किसी का भी, आमिर खान लिख देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे मैंने आमिर खान लिख दिया, ठीक है, सारे मतलब अकाउंट आ चुके हैं, और इनमें से जिसको आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। वो जहाँ ऊपर मेंशन हो चुका है, अब जो आप लिखना चाहते हैं वो टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, मैसेज सेंड हो जाएगा। इस तरह से आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं ट्विटर पे। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में।